हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुरजीत, फाउंडर ऑफ एनएसपीडी एकेडमी गढ़शंकर। आज की वीडियो में हम फर्स्टली बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर से पार्लियामेंट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उन्होंने उनके क्या आंसर दिए। सेकंड हम बात करेंगे पीपीआर ट्रेंड की। थर्ड हम बात करेंगे आईआरसीसी की लेटेस्ट अपडेट की। ये जानने के लिए वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताजो आने वाली कोई भी अपडेट आपसे स्किप ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर से पार्लियामेंट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उन्होंने उन सब के क्या आंसर दिए। पार्लियामेंट में ओपोजिशन पार्टी की ओर से इमिग्रेशन मिनिस्टर से फर्स्ट क्वेश्चन फैमिली मेम्बर को लेकर पूछा गया। उन्होंने बोला कि अभी बहुत सी फैमिलीज़ के जो वीज़ा है अप्रूव नहीं किए गए, जबकि उन्हें अप्लाई किए अब तक 1 ईयर हो चुका है। सेकंड, उन्होंने विजिटर को लेकर क्वेश्चन किया। उन्होंने बोला कि अभी बहुत से जो विजिटर है कनाडा विजिट नहीं कर पा रहे, जबकि उन्हें अप्लाई किए अब तक 2 ईयर हो चुके हैं, जिस कारण कनाडा को फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है। थर्ड, उन्होंने वर्कर को लेकर क्वेश्चन किया कि वर्कर को अप्लाई किए हुए अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, जबकि उनके वीज़ा भी अप्रूव नहीं किए जा रहे। आंसर में इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ओपोजिशन पार्टी को बताया कि वह पीआर और स्टूडेंट की फाइल पर काम कर रहे हैं। अभी उनका पूरा जो फोकस स्टूडेंट और पीआर होल्डर पर है। उन्होंने बताया कि इस साल जस्ट स्टूडेंट और पीआर होल्डर की फ़ाइल ही प्रोसेस की जा रही है। अभी वर्कर, विजिटर, इन सभी की जो फाइल है डिले हो रही है, बिकॉज अभी स्टूडेंट और पीआर की फ़ाइल पर काम किया जा रहा है। सेकंड, हम बात करते हैं आईआरसीसी की अपडेट की। उन्होंने बताया है कि जिन कैंडिडेट ने COVID-19 के टाइम अप्लाई किया था, उनकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है, बिकॉज उन्होंने ऑफलाइन अप्लाई किया था, उनकी फाइल्स को प्रोसेस करना डिफ़िकल्ट है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जिन कैंडिडेट ने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया है, उनके रिजल्ट जो है फास्टली प्रोसेस किए जा रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन काम करना बहुत आसान है, जिस कारण उनके रिजल्ट फास्टली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो जो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें फास्टली रिजल्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और ऑफलाइन फाइल्स के रिजल्ट अभी थोड़े डिले हो रहे हैं। थर्ड, हम बात करते हैं पीपीआर ट्रेंड की। अभी स्टूडेंट और पीआर होल्डर के रिजल्ट बहुत अच्छी स्पीड से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी वर्कर, विजिटर के रिजल्ट थोड़ी कम स्पीड से देखने को मिल रहे हैं। इमीडिएट फैमिली मेम्बर के रिजल्ट भी अच्छी स्पीड से आ रहे हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेबी लर्निंग।